नमस्कार दोस्तों मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां दोस्तों आज मैं आया हूं जैसलमेर से लगभग पाँच किलोमीटर दूर है ये बड़ा बाग का क्षेत्र है और बड़े बाग में काफ़ी पर्यटकों के लिए आकर्षण करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं सबसे पहले मैं आपको ये छतरियाँ बनी हुई हैं बड़े बाग के अंदर बहुत ही खूबसूरत है ये वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको तो यहाँ से जो छतरियाँ स्टार्ट होती हैं मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में ये छतरियाँ बनी हुई हैं तो अगर हम इसकी बात करें ये कितनी पुरानी है तो ये छतरी मुझे लग रहा है इसके नीचे भी एक छतरी है वो सबसे पुरानी रही होगी तो और यहाँ से लेके वहाँ यहाँ तक इनका डिज़ाइन सेम है लगभग तो ऊपर का जो एरिया है इनका वो मैं आपको दिखाऊं देखिए वो इस तरह का है ये पिरामिड के आकार का वो दिखाने की कोशिश करेंगे मैं देखिए वो देख रहे हैं पिरामिड ये मैं खड़ा हूँ ये सारी छतरियाँ यहाँ ये बहुत पुरानी हैं ये इसी तरह की पिरामिड के आकार की छतरियाँ ये सबसे पुरानी हैं तो पहले पूर्व में ये हमारे जैसलमेर के जो राज परिवार के जो सदस्य थे या हमारे महाराजा थे तो उनकी पत्नियां होती थी उनके मेंबर जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो यहीं पर उनका क्रिएमेशन किया जाता था और उनकी याद में ये बड़ी बड़ी छतरियों का निर्माण किया गया था तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कभी दिखाया जो पिरामिड के आकार की छतरियाँ पहले बनाई जाती थी और बाद में सत्रहवीं शताब्दी के बाद में इनका आकार ऊपर वाला जो गोल हो गया यूँ कहें कि मुगलों के आने के बाद उनका शेप चेंज हुआ तो वो मैं आगे आपको वो दिखाऊंगा देखिए उधर यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ आपको तो वो देख रहे होंगे वो गोल हो गई हैं वो बहुत नई छतरियाँ हैं मतलब इतनी नई नई सत्रहवीं शताब्दी के बाद की बनी हुई हैं और इन छतरियों के बीच में ये देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं ये आप देख रहे होंगे ये पत्थर लगा इसके ऊपर एक घोड़े के ऊपर एक पुरुष की मूर्ति और ये तीन महिलाएं ये कौन है ये हमारे राज परिवार के जो यहाँ राजा हुए हैं और उनकी पत्नियों की ये तीन आपको ये पत्थर के ऊपर बनाई हुई मूर्तियाँ मिलेंगी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये इनकी साथ साथ क्यों बनाई जाती हैं तो देख आपने पता होगा कि पुराने समय में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक परंपरा रही थी कि राजा की मृत्यु के बाद में और उनकी जो पत्नियाँ होती थी वो साथ में जल जाती थी एक ये कारण होता था और दूसरा कारण अगर ये प्रथा समाप्त भी हो गई थी उसके बाद भी जो रानी की डेथ होती थी वो भी राजा के जो छतरियाँ बनाई उनके समीप ही उनका भी क्रियाकर्म किया जाता था तो बाद में ये लगाई जाती थी तो अब ये अंदाज़ा लगा सकते हो ये हमारे यहाँ के महाराजा रहे होंगे महारावल साहब और इनकी जो पत्नियाँ तीन आप देख रहे होंगे तीन रानियाँ रही होंगी तो ऐसे ही मैं आपको और, और इनमें तारीख भी लिखी हुई है ये आप देख सकते हो यहाँ पर तो राजपूतों ने अपना कितना सेक्रीफाइस किया है उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको जैसलमेर में भी ढाई साके हुए चित्तौड़ में जौहर हुए तो जब युद्ध होते थे तो अगर जैसे कि युद्ध में युद्ध क्षेत्र में राजा युद्ध करने जा रहे हैं उनके बचने की संभावना नहीं होती थी तो पीछे जो महल के अंदर महिलाएं होती थी वो अपनी जान दे दिया करती थी जिनको जैसलमेर में साके कहे जाते हैं चित्तौड़ में जौहर कहे जाते थे यानी दुश्मन के हाथ में राज परिवार के जो महिला सदस्य रानियाँ राजकुमारियाँ कभी हाथ नहीं लगती थी आग में कूद अपनी जान देती थी उसको जौहर कहा जाता था और तो ये मैं आपको और दिखाऊँ और आगे आइए देखिए ये जो छतरी है दूसरी ये भी काफ़ी सुंदर और ये कलात्मक छतरियाँ बनाई यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पर चार जो महिलाओं के चित्र हैं और एक घोड़े के ऊपर सवार तो ऐसा लग रहा है इनकी चार पत्नियाँ रही होंगी ये आप देख सकते हो और इसी तरह से किसी किसी में सिर्फ एक ही है कहीं घोड़ा है सिर्फ और कहीं दो घोड़े भी दिख रहे हैं तो और एक एक महिला का चित्र दिख रहा है ऐसे यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ मतलब रह, रहता है तो यहाँ पर आप जगह जगह देख रहे होंगे बहुत सारे और बहुत सारी छतरियाँ बड़ी कलात्मक स्वरूप में बनाई गई हैं तो ये बड़ा बाग का जो क्षेत्र है ये राज परिवार का ये स्थान है यहाँ के नीचे ये खेती बाड़ी भी होती है यहाँ जैत बांध बना है वो मेरे पीछे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर और ये नदी आती है यहाँ से और उसका पानी यहाँ बारिश में इकट्ठा हो जाता है और ये पानी जब जमीन के अंदर चला जाता है तो इसमें फसल बो दी जाती है तो फिर क्या होता है ये इसको खड़ीन कहते हैं तो इसको वापस पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फसल उग जाती है तो यहाँ पे देखिए ग्रीन दिख रही होगी फसल जो तो ज़मीन के अंदर बारिश का पानी चला गया उसी पानी का इस्तेमाल करके फसल उग गई है इनको वापस पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो चना है सरसों निकाल ली गई है और इधर गेहूँ या जई इस तरह की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं पीछे बड़ा बाग जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे बगीचा है इधर नीचे आम के पेड़ भी इधर हैं पीछे इस समय यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जगह थी लेकिन इधर यहाँ पर बहुत सारे पंखे लग गए तो दोस्तों ये बड़ा बाग एक बहुत ही अच्छा सुंदर पर्यटन स्थल है और यहाँ पर आप कभी आओ घूमने तो ये छतरियाँ ज़रूर देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये यहाँ भी ये देख रहे होंगे तो इस तरह से ये जिसकी छतरियां बनी हुई हैं और यहाँ बहुत सारे ये बने हुए हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए इधर दो हैं और मैं नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ इधर गोल गोल छतरियां बनी हुई हैं ये नई छतरियां हैं तो ये सैकड़ों की संख्या में आपको छतरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ जैसलमेर में ये जो छतरियाँ बनाई गई थी राजाओं की राज परिवार के सदस्यों की रानियों की और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए ये देखिए घोड़े के ऊपर सवार ये और बहुत सारी रानियाँ यहाँ पर ये उनके चित्र बनाए गए और यहाँ भी देखिए यहाँ तो इस तरह से आप ये हमारे जो जैसलमेर के राज परिवार के सदस्यों की जो छतरियाँ आप यहाँ पर बनाई गई हैं और ये जितनी भी छतरियाँ हैं उन सब में ये चीज़ें लगाई गई हैं आप देख सकते हो यहाँ पर और ऊपर वो पीछे देख रहे हैं ये गोल हो गई हैं तो ये मुग़लों के आगमन के बाद इनका शेप चेंज हो गया था और दोनों ही खूबसूरत हैं एक तो वो है गोल वाली और वो पीछे जैतवंध बांध और एक है तो आज मैंने आपको दोस्तों जैसलमेर का ये बड़ा बाग दिखाया बड़ा ही खूबसूरत है तो जो भी पर्यटक आए जैसलमेर घूमने वो यहाँ पर जरूर आएँ ये देखने लायक जगह है तो पर्यटक आएंगे तो यहाँ पर बहुत आनंद आएगा तो और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नीचे बाग भी देख सकते हैं और छतरियाँ भी देख सकते धन्यवाद दोस्तों जिनारो हेड़ी अस वारी

Ashwari.